पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का असर अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स के बाहर, और तमाम जो यहाँ पर मरीज सुबह से ही इलाज कराने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे, उनको खासी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। हमारे साथ कई सारे मरीज हैं, उनके अटेंडेंट भी हैं। ये देख कितनी परेशानी, कहाँ से आप आए? सर मैं यूपी प्रतापगढ़ से आया हूँ। अब मैं जान लीजिए रात में 10 बजे से लाइन लगाया हूँ। आज मुझे सीजर का टाइम दिया गया था ऑपरेशन करने के लिए, बट क्या कहते हैं इनको कुछ बताया नहीं है सर, आज हड़ताल कर दिया सर। इतना सर, इतने 4 महीने से मैंने पहले नंबर लिया था यहाँ पे, आज मैं आया हूँ सर, क्या कहते हैं कल रात से ही लाइन लगाया हूँ स्टेशन बाहर सो रहे। बताइए सर, इनको हड़ताल अगर करना तो पहले बता देना चाहिए, सूचना दे देना, बहुत परेशानी सर। देखिए गले में ऑपरेशन देखिए सर होना है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है सर, अब होना था लेकिन सर अब देखिए इसका कर दिए, तो ऐसे डेट टाल दिए सर। 4 महीने पहले हमने डेट लिया था एम्स में सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही सर हम लोग। क्या सोच रहे बाहर वापसी? नहीं सर, अब बाहर जाना क्या, अब जब तक इनका हड़ताल नहीं खत्म होगा यहीं रहना है सर। इतने बड़े लोग हम लोग नहीं एक बाहर से ट्रांसप्लांट करा पाए, 10 से लेके 15 लाख रुपए तक हम लोगों का लगे सर, इसलिए हम लोग। कई सारे लोग हैं, आप कहाँ से आए? सिवान जिला से सर, बिहार से आए थे सर। आए थे, सांस की प्रॉब्लम था मेरी, आज एक्सरसाइज की डेट था और मेरे, और इस वक्त आए तो पता चला हड़ताल है। क्या कह रहे हैं? अभी तो अंदर गए ही नहीं, हड़ताल है अभी तो बाहर ही खड़े हैं, अब पता चलेगा अंदर जाने पर क्या हो रहा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स, क्या कह रहे हैं? सर मेरे को रिपोर्ट लेनी थी आज, उन्होंने कहा था एक हफ्ते के बीच में लेना है। आज सर 22 दिन हो गए पूरे के पूरे, आज तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी मेरे को। मेरे को बोला आज भी बोला 12 बजे आना, इतने दिन से मैं चक्कर मार रहा हूँ लेकिन रिपोर्ट नहीं दे रहे वो आज। आप किस लिए आए थे? बिहार से आए हैं सर। किस लिए आए थे? किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए आज 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं उसका। नाइट में आके लाइन में लगे हैं सर, फिर अंदर गए, अंदर गए तो बोले 11 बजे मिलेगा डेट, आज डॉक्टर्स नहीं देखेंगे, डॉक्टर्स को देखने का डेट थे। फिर 11 बजे के बाद अभी बोल रहे हैं कि लाइन से कृपया निकल जाएं, अभी डेट नहीं मिलेगा। डॉक्टर हड़ताल स्ट्राइक पे है, काफी परेशानी है कि मरीजों को खासी परेशानी का, किसको क्या 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 परेशानी? हम यूपी आगरा से आए हुए हैं, हमें न्यूरो सर्जरी में कल हमें अपॉइंटमेंट मिला था आज के लिए, उन्होंने बोला था आज काम होगा, वो दफ्तर बंद है और गार्ड भी कुछ बताते नहीं है, और हड़ताल ले रखा, हड़ताल का कोई रीजन नहीं निकल रहा है, क्यों हड़ताल ले रखा है, हमें इतनी परेशानी हो रही है। यानी कोई अंदर जगह भी नहीं है बैठने के लिए, न उठने के लिए, न पानी पी पा रहे हैं, न कुछ भी, और बाहर ही सड़क पर बढ़वा तो पड़े हैं, रात इंतजार कर रहे हैं, 4 बजे से हम देख रहे हैं कुछ भी हो हमारे साथ, कुछ सावधानी मिले कुछ नहीं मिल रहा है, हमें आराम नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों को खासी परेशानी का सामना, जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं, अटेंडेंट पहुंच रहे हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है वो हड़ताल की वजह से करना पड़ रहा है।